भारत ने लद्दाख के डेमचौक इलाके से पकड़ा एक चीनी सैनिक। प्रोटोकॉल के मुताबिक चीनी जवान को वापस सुपुर्द करेगी भारतीय सेना। हैदराबाद में बारिश से तबाह हुए मकानों की मरम्मत के लिए तेलंगाना सरकार देगी 1-1 लाख रुपए। प्रभावित इलाकों के हर गरीब परिवार को भी मिलेगी 10,000 की मदद। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन कथित घोटाले के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने की 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ। फारूक बोले, डरा नहीं सकते, धारा 370 की लड़ाई जारी रहेगी। इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर कमलनाथ को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर मांगी सफाई। कमलनाथ बोले, नाम भूल गया था लेकिन दुर्भावना या असम्मानित दृष्टि से नहीं बोला आइटम शब्द। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी पर 794.25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। सीबीआई ने किया मामला दर्ज, दर्जनों जगह छापेमारी जारी। पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम की बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प के बारे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ को दी जानकारी। गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। ऑड इवन फॉर्मूला आखिरी उपाय, सभी तरीके विफल होने पर करेंगे लागू। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,70,000 हुई। 24 घंटे में दर्ज हुए 55,500 से ज्यादा मामले। 579 की हुई मौत। और 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान में नहीं थम रही जंग। पाकिस्तान पर संघर्ष में शामिल होने के लगे आरोप।